हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक एट योर फेवरेट चैनल डी फैक्टो। मुझे उम्मीद है कि आपने वॉइसेस की पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो देखी ली होगी। इस वीडियो में मैं कुछ कन्फ्यूज़न पे बात करूँगा। कन्फ्यूज़न जैसे कि कई बार ऐसा होता है सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स देकर कन्फ्यूज़ किया जाता है। मैं बात बताकर नहीं लिख कर साबित करूँगा। जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस लिखा माई फादर बॉट मी अ न्यू बुक। इस सेंटेंस में मैंने देखा कि ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स देकर मुझे कंफ्यूज किया जाता है कि मैं इससे सेंटेंस को पैसिव बनाऊं या इससे सेंटेंस को पैसिव बनाऊं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा रवि सैंग अ सॉन्ग। तो मैंने आपसे पूछा रवि ने क्या गाया था, आपने कहा गाना गाया था। तो इसका मतलब ये वर्ब किस पर काम कर रही है, इस पर काम कर रही है, इसीलिए ये है ऑब्जेक्ट। और सीधा इस वर्ब का जो भी एक्शन है इस ऑब्जेक्ट पर सीधा ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए मैं इसे कहूँगा डायरेक्ट। समझ रहे हैं आप? अगर मैं ऐसा कह दूँ रवि सैंग अ सॉन्ग फॉर मी, तो आपको पता है रवि ने गाना गाया था। ये वर्ब इस एक्शन को परफॉर्म करने का काम कर रही है और ये मेरे लिए किया जा रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। लेकिन होता क्या है, इसे इनडायरेक्ट को बाद में नहीं लिखा जाता। इंग्लिश ग्रामर कहती है इसे पहले लिखो। लिखा जाता है ऐसे रवि सैंग मी अ सॉन्ग। अब देखना रवि ने क्या गाया, मुझे गाया या गाना गाया। रवि ने गाना गाया। जो काम वर्ब के द्वारा बताया जाता है सीधे ही उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो खामखा बीच में डाल दिया जाता है या जिस पर्पस के लिए गाया जाता है या जिसके लिए गाया जाता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। नहीं समझे तो यहाँ पर देखना, मेरे पिताजी ने खरीदा था, मुझे खरीदा था, एक नई किताब खरीदी थी। आप कहेंगे मुझे कैसे खरीदेंगे मेरे पिताजी, मेरे लिए हो सकता है कि खरीदी गई हो, लेकिन खरीदने का ताल्लुक इस बात से है, इसीलिए ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मेरे लिए खरीदी गई थी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं सर इसे डायरेक्ट और इसे इनडायरेक्ट और इसे डायरेक्ट क्यों बोलता हूँ, इसे ऑब्जेक्ट वन और इसे ऑब्जेक्ट टू क्यों नहीं बोलता? वो इसीलिए कि अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में से हटा दूं तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अब चलो ये तो बात मुझे समझ आ गई सर कि मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन मैं इसे बनाऊंगा कैसे, ट्रांसफॉर्म कैसे करूंगा? तो ऐसे देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दो, माना कि ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है, जितने ऑब्जेक्ट उतने तरीके बनाने के। सबसे पहले मैं इससे बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने इसे बनाया पैसिव सब्जेक्ट, आई वॉज बॉट, फिर मैं लिखूंगा सेकेंड ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा अ न्यू बुक, और जिसने खरीदा है फिर सूटेबल प्रपोजिशन बाय माई फादर। अगर मैं दूसरे तरीके से बनाना चाहूँ यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट से, तो ऐसे बनाऊंगा न्यू बुक वॉज बॉट, लेकिन प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी सर, किसके लिए, टू मी, बाकी वही बात, बाय माय फादर। मुझे लगता है आप बात समझ गए, कुछ सेंटेंस लिखता हूँ करके दिखाना, ठीक है?
मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा रमेश लेंट मी सम मनी। मैंने लिखा दीपिका ऑफर्ड संजय जॉब। फिर मैंने लिखा तीसरा, मैंने लिखा माय मदर मेड मी अ बर्गर। फिर मैंने चौथा लिखा, मैंने लिखा सुनील गेव मी मनी टू स्पेंड। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बार वीडियो को पॉज करके इसे बनाने की कोशिश करें। मुझे लगता है आपने कर ली कोशिश। अब मुझे पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो पहले मैं इससे बनाऊंगा। मैंने बनाया ऐसे, आई वॉज लेंट सम मनी बाय रमेश। अब मैं बनाऊंगा दूसरे तरीके से। मैंने लिखा सम मनी वॉज लेंट, प्रेपोजिशन की ज़रूरत, टू मी बाय रमेश। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा इसको। मैंने देखा ये पहला सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। मैंने बनाया संजय वॉज ऑफर्ड, क्या ऑफर किया, अ जॉब बाय दीपिका। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे बनाऊंगा, दूसरे तरीके से ये रहा, जॉब वॉज ऑफर टू संजय बाय दीपिका। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। ये देखिए, पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट से बनाया मैंने, आई वॉज मेड अ बर्गर बाय बाय माई मदर। दूसरा बनाया कुछ इस तरह से, अ बर्गर वॉज मेड टू मी बाय माई मदर बाय माई मदर। फोर्थ और आखिरी सेंटेंस, मैंने देखा गिव मी सम मनी टू स्पेंड। अब देखना, ये इन्फिनिटिव है। जब भी इन्फिनिटी आपको मिले, उसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे दूंगा। मैंने लिखा आई वॉज गिवन सम मनी टू बी स्पेंट बाय सुनील। आपने देखा मैंने कैसे इस्तेमाल किया इसको, टू के साथ भी लिखकर और पार्टिसिपल यूज़ किया, बहुत बढ़िया किया। दूसरी बात है सम मनी, मैंने लिखा सम मनी वॉज गिवन टू मी बाय टू बी स्पेंट बाय सुनील। मुझे लगता है आपको समझ आ गई। चलिए अगले कंफ्यूजन पे काम करते हैं। अगला कंफ्यूजन कहता है कि कई बार एनीथिंग और नथिंग में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप बनाने की कोशिश करना। मैंने लिखा पहला सेंटेंस, मैंने लिखा राधा
डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने लिखा संजय हैज नॉट सीन एनीवन। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा नोबडी कैन प्लीज विनोद कुमार। फोर्थ सेंटेंस मैंने लिखा द ऑफिसर कुड नॉट डू एनीथिंग। एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे कंफ्यूजन होता है। मुझे लगता है आपने कर लिया। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब भी आपको सेंटेंस में एनी के साथ नॉट मिले, आप इनको मर्ज करके लिख दीजिए नो। और अगर आपको एनी के साथ थिंग मिले तो वो थिंग चली जाएगी इसके पास और ये बन जाएगा नथिंग। अगर आपको एनी के साथ बॉडी मिलती है तो बॉडी चली जाएगी यहाँ और ये बन जाएगा नो बनी। उसी से उल्टा अगर आपको मिलता है नो तो आप इसे कन्वर्ट करके लिख दीजिए एनी प्लस नोट। चलिए बताता हूँ कैसे। मैंने देखा यहाँ पर ये लिखा हुआ है एनी और ये नोट, इन दोनों को मैंने मर्ज किया, बनाया नो नथिंग वॉज सेड बाय राधा। मुझे लगता है आप समझ गए। मैंने देखा एनी, इसके साथ मैंने देखा नॉट, मर्ज किया, लिखा नो। नो के साथ लिखा हुआ था वन, मैंने लिखा नो वन हैज बीन सीन बाय संजय। फिर मैंने देखा नो दिखा, नो को मैंने काटा, लिखा क्या एनी प्लस नॉट। कैसे लिखूंगा? ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है ये विनोद कुमार कैन नॉट बी प्लीज्ड बाय एनी बड़ी। आप देख रहे हैं एनी और नॉट, यहाँ पर बड़ी था। मैंने देखा यहाँ पर एनी लिखा हुआ है, नोट मर्ज कर दिया, लिखा नथिंग कुड बी डी डन बाय दी ऑफिसर। लगता है आप समझ गए। चलिए अगले कन्फ्यूजन पे बात करते हैं। अगला कन्फ्यूजन है जब एक ही सेंटेंस में दो प्रेपोजिशन दे दी जाती हैं। मैंने सेंटेंस लिखे सम स्टूडेंट्स लिव इन द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग। दूसरा मैंने लिखा समवन ब्रोक इनटू द हाउस। फिर मैंने लिखा दोस्त तीसरा सेंटेंस इंडियन आर्मी एम्ड एट द एनिमी। फोर्थ मैंने सेंटेंस लिखा दे आर लिसनिंग टू देयर
ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें बनाने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ क्या कन्फ्यूज़न होती है। मुझे लगता है आपने बना लिया। बनाने की बात ये रही, मुझे पता है ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंने बनाया, द स्कूल बिल्डिंग इज लिव्ड इन बाय सम स्टूडेंट्स। कन्फ्यूज़न होती है, आपको लगता है इन भी प्रेपोजिशन है, बाय भी प्रेपोजिशन है, ये एक साथ कैसे आ गई, क्या कुछ गलत तो नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी गलत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट है, द हाउस वॉज ब्रोकन इंटू बाय समवन, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने लिखा दी एनिमी वॉज एम्ड एट बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। आगे मैंने देखा देयर टीचर वॉज इज बींग लिसन टू बाय दम। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाली कोई बात ही नहीं है, दो प्रेपोजिशन एक साथ आ सकती हैं। चलिए अगले कन्फ्यूज़न पे बात करते हैं। कई बार आपको सेंटेंसेस कुछ इस तरह से दिए जाते हैं, देयर इज नथिंग टू इन मैटर, देयर वॉज नथिंग टू ईट, कई बार लिखा जाता है, चलो ईट लिखते हैं, ही हैज नथिंग टू स्पेंड। मेरा कहने का मतलब है, आपको टू इन्फिनिटिव दी जाती है तब कैसे फॉर्मेशन बनती है। मैंने सेंटेंस लिखा, इज टाइम फॉर इट इज़ टाइम फॉर एग्जामिनेशन टू प्रिपेयर। फिर मैंने लिखा, इट वॉज अ मोमेंट टू प्ले क्रिकेट। इन सेंटेंसेस को एक बार वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करें, मैं बताता हूँ फिर कैसे बनते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपने बना लिए, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पर पजेसिव केस है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर भी लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब है यहाँ तक मैं इस सेंटेंस को बना नहीं सकता, ठीक है। यहाँ तक तो मैं कहाँ बनाऊँगा, जहाँ मुझे भी टू प्लस इन्फिनिटी मिलेगी, यानी टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी, मैं यहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, टू प्लस बी प्लस पार्टिसिपल और सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा, देयर इज नथिंग टू बी डन इन दिस मैटर, देयर वॉज नथिंग टू बी ईटन, ही हैज नथिंग टू बी स्पेंट, ओके, इट इज टाइम फॉर एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, इट वॉज अ मोमेंट। फिर मुझे इस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा इस तरह से, इट इज अ इट वॉज अ मोमेंट
और क्रिकेट टू बी प्लेड। मुझे लगता है बात समझ आ गई। और इसी के साथ एसर्टिव सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे वॉइसेस में, जब इंटरोगेशन का पार्ट शुरू होगा। तब तक के लिए